कोई काम नहीं है पूरे दिन भर। उठ के सुबेरे उठता हूँ, फ्री की चाय पीता हूँ, फ्री का नाश्ता करता हूँ, मेरे माँ बाप के टुकड़ों पे पलता हूँ, नहाता हूँ, और उसके बाद अपने घर वालों की गालियां खा के रात को अपने माँ बाप की फ्री की रोटी खा के सो जाता हूँ। वेल डन, गालियां होनी चाहिए यार। तो फाइनली जिसका मुझे था इंतजार वो हो चुका है, CSK क्वालिफाई कर चुकी है। अब अगर हम 2020 और 2022 छोड़ के बात करें तो भाई CSK हर साल क्वालिफाई हुआ है, ये मिला के 12 साल हो गया। CSK भी कह रहा होगा कि अब तो आदत है मुझको ये सब। अच्छा वार्नर भाई अब रील्स में बकचोदी करने के बजाय अब ग्राउंड में बकचोदी करना शुरू कर दिया गया, और बकचोदी भी कर रहे हैं किसके साथ, रविंद्र जडेजा के साथ। पता है ना वो बंदा खड़े खड़े विकेट को टोन देता है, फिर भी फालतू के आप मांगल ले रहे हो। बात तो सही है। ये CSK का कैसा फैन है भाई, जडेजा अच्छा खासा बैटिंग कर रहा है, मार भी रहा चौवा छक्का, लेकिन फिर भी ऑडियंस बोल रहा है कि यार सिंगल लेके दो, सिंगल लेके दो। पहले तो भाई माही भाई के पहले आ जाता था तो उसको आउट करने के लिए सब मनाते थे, आज तो माही भाई के बाद भी आया फिर भी हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। शायद भाई माही भाई का फैंस भी माही भाई की तरह कुछ अलग दिमाग रखता है, उसको कुछ से फर्क नहीं पड़ता है कि टीम जाए या ना जाए, हमको सिर्फ माही भाई को खेलते हुए देखना है। इधर भाई ऋतुराज और कॉनवे ने क्या ही पारी खेला, कॉनवे तो भाई फिर भी कंसिस्टेंस एकदम अच्छे खासे से रन मारा, लेकिन ऋतुराज भाई जैसे ही 35 पार किए तैसे ही शायद बॉलर को कह रहा हूँ कि आ तुझे आसमान का सैर कराता हूँ, मतलब गजब मारा कर रॉकेट राजा। दिल्ली के भाई का तो सुने थे कि सतरंगी जर्सी पहनता है तो कभी नहीं हारता, पर कल तो नहीं जीता। हालांकि वार्नर भाई ने तो भाई अच्छा खेला, उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया मैच को जिताने को, लेकिन हो नहीं सका, बकचोदी करोगे तो मैच थोड़ी जीत पाओगे। बाकी भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक मारो और कमेंट में लिखो जय श्री राम, और चैनल का नाम पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।